हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं अफसा बानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में हाथरस में गरीब परिवार की बेटी के साथ दबंग लोगों द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर घटना को दबाने व छुपाने के उद्देश्य से उसकी जीप काट देने तथा धारदार हथियारों से उसकी हत्या करने का प्रयास करने पर लगातार चल रहे उपचार के बाद उसकी मौत हो जाने पर मंगलवार को एक कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च जिला कार्यालय से नगर पालिका परिसर स्थित शहीद स्थल तक निकाला गया, जहां अपनी जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते जिंदगी हार जाने वाली एक बेटी को सैकड़ों सिपाहियों ने एकत्रित होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि के साथ 14 सितंबर को दरिंदों ने बहुत ही बेरहमी से उनका रेप किया और उसके बाद में जीव काट दी गई और गर्दन मोड़ दी गई, उसकी हड्डी टूट गई, जिसका इलाज दिल्ली में चल रहा था, जिसका आज सुबह 7 बजे देहांत हो गया। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि आज हापुड़ जिले के महिला सभा और सभी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला है, जो पार्टी ऑफिस से यहाँ शहीद स्तंभ तक निकाल कर उसको भावहीन श्रद्धांजलि आज हम दे रहे हैं। मेरा नाम मलिका खान है, मैं हापुड़ महिला सभा की जिलाध्यक्ष हूँ और आज हमने अपनी बहन मनीषा को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला है। और मैं इसके माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि भाजपा का बेटी बचाओ नारा दरअसल वो नारा नहीं था, एक वार्निंग थी। वो बता रहे थे कि क्योंकि हम बलात्कारियों का हत्यारों का समर्थन करते हैं इसलिए हमसे बच लो, तो उनका ये नारा नहीं था, वार्निंग थी। ये बात आज बिल्कुल सही साबित हो रही है। ये सरकार बलात्कारियों का हथियारों का समर्थन करती है, इसीलिए आज उनके इतने हौसले बुलंद हैं कि कोई भी कानून का किसी को कोई डर नहीं है। हर तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं हैं। आज किस तरह महिलाएं पढ़ने नौकरी करने बाहर निकलेंगी ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा है, उनको मानवता के नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इन लोगों में नैतिकता बची ही नहीं है। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।